हालेलुया हालेलुया। आओ प्रभु दी महिमा दे विच नवा गीत गावांगे। गीत टाइटल है खुदा ने किया भवन तैयार सात दशकों के बाद। आमीन आमीन। इहदा मतलब है कि सत कलीसिया काल तो बाद जो दुल्हन दा युग आउंदा है ए अठवां युग दुल्हन दा युग है। आमीन आमीन। ए द न्यू जेरूसलम है। आमीन आमीन। असि एक पहला गीत गांदे सी यहोवा की तलवार भाई ब्रानम की तलवार। मैं अपने पास्टर जी दे नाल मिल के गीत गा रहा सी एक बार ते पास्टर जी ने मैंने समझाया सारी कलीसिया नूं दस्या कि भाई ब्रानम 1965 विच जा चुके आ ते ए तलवार जो वचन है इसनूं हुण दुल्हन इस्तेमाल करेगी। आमीन। क्योंकि जो सीन तो जा चुका वो इस तलवार नूं इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो सीन ते है वो इसनूं इस्तेमाल करेगा। तो इस टाइम सीन ते कौन है, दृश्य कौन है, दुल्हन। आमीन आमीन। सो प्रकाशित वाक्य 10:7 जो साड़ा नबी है वो समा निकल चुका है। असी अपने प्रीशियस नबी दी बहुत रिस्पेक्ट करते हाँ। असी कोई भी गल जो करते हाँ तो नबी दे हवाले लैके ही करते हैं, पर इस समय जो समा जिस वचन दा चल रहा है वो प्रकाशित वाक्य 10:8-11 है। आमेन आमीन। सो ये दुल्हन दा युग है, आओ दुल्हन दे युग दा एक गीत गावांगे। खुदावन साडी मदद करे, आपां छोटी जी प्रार्थना करांगे। स्वर्गीय पिता मैं तुहाडा बहुत ही धन्नवाद करदा, शुक्र करदा हाँ मेरे खुदावन कि खुदावन तुसी सानूं एक होर मौका दिता कि मेरे प्रभु कि खुदावंद इस दुल्हन रूपी गीत नूं गा सकीए। मेरे खुदावंद धन्नवाद करदा हाँ मेरे प्रभु, तुसी अपनी दुल्हन नूं प्रभु इस युग विच रख्या, जिस युग विच मेरे प्रभु बहुत वड्डे वड्डे नबी इस दिन नूं देखना चाहते सन, पर खुदावंद तुसी अपनी दुल्हन नूं प्रभु ये खुदावंद होन दिता कि मेरे प्रभु वो ना केवल इस दिन नूं देखे बल्कि मेरे प्रभु तुहाडी वर्शिप भी आत्मा ते सच्चाई दे नाल करे। मैं खुदावंत बहुत शुक्रगुजार करता हाँ मेरे प्रभु, तुसी ही अल्फा अते तुसी ही ओमेगा हो मेरे प्रभु, और खुदावंत अपने वचन दे अनुसार मेरे प्रभु तुहाडा वायदा है मेरे प्रभु जिथे दो या तीन मेरे नाम च इकट्ठे होंदे हन उन्हां विच मैं आ जांदा हाँ मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु तुहाडे वचन दे अनुसार मेरे प्रभु असीं इत्थे दो जन हाँ ते मेरे प्रभु तुसी तीसरे साडे दरम्यान मौजूद हो मेरे प्रभु। ये साडा विश्वास है मेरे प्रभु। इस गीत नूं गाउण तों पहला मेरे प्रभु अपना देह आत्मा प्राण तुहानूं समर्पित करदा हाँ मेरे प्रभु, साडे होंठां नूं साडी आवाज़ नूं मसा करना ते खुदावंद इस वर्शिप नूं तुहाडे लहू दे हेठ करदा हाँ। शैतान दी हर एक युक्ति नूं यीशु नाम दे विच बन्न के दिलों च सुट दिंदा हाँ। तुसी ही अगवाई करना खुदावंद, मार्गदर्शन करना, मसा दी भरपूरी देना, मसीह यीशु दे पवित्र नाम च मंगदे हां। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा ने किया भवन तैयार सात दशकों के बाद। खुदा ने किया भवन तैयार सात दशकों के बाद। खुदा ने किया भवन तैयार सात दशकों के बाद। भवन हुआ बन के तैयार मोहर के खुलने के बाद। भवन हुआ बन के तैयार मोहर के खुलने के बाद। आमीन। अनोक ने देखा इस भवन को, दिखता था जो पिरामिड सा। अनोक ने देखा इस भवन को,
दिखता था जो पिरामिड सा, जिस वाणी पे इसको बनाया, उसके प्रकाशन से वो उड़ गया। जिस वाणी पे इसको बनाया, उसके प्रकाशन से वो उड़ गया। ढूंढा इब्राहिम ने शेर को, ढूंढा इब्राहिम ने शेर को, दे बदलाव का तजुर्बा किया, खुदा ने किया भवन तैयार। सात दशकों के बाद खुदा ने किया भवन तैयार। सात दशकों के बाद दुआओं का आया जवाब, मोहर के खुलने के बाद दुआओं का आया जवाब, मोहर के खुलने के बाद खुदा ने किया भवन तैयार। सात दशकों के बाद याकूब ने देखा इस भवन को, जब चट्टान पे तकिया किया। याकूब ने देखा इस भवन को, जब चट्टान पे तकिया किया। खड़ा किया चट्टान को जगह पर, उस स्थान को बेतल कहा। खड़ा किया चट्टान को जगह पर, उस स्थान को बेतल कहा। स्वर्ग में मूसा ने भवन को देखा, स्वर्ग में मूसा ने भवन को देखा, उसको जमीन पर उतार दिया, खुदा ने किया भवन तैयार। सात दशकों के बाद खुदा ने किया भवन तैयार। सात दशकों के बाद दुआओं का आया जवाब, मोहर के खुलने के बाद दुआओं का आया जवाब, मोहर के खुलने के बाद खुदा ने किया भवन तैयार। मोहर के खुलने के बाद यीशु मसीह वो जीवित भवन था, छाया बनाई थी सुलेमान ने। यीशु मसीह वो जीवित भवन था, छाया बनाई थी सुलेमान ने। इसी भवन को यूहन्ना ने देखा, जमीन पे उतरता खुदा के पास से। इसी भवन को यूहन्ना ने देखा, जमीन पे उतरता खुदा के पास से। आय भवन ये कायम हुआ है, आय भवन ये कायम हुआ है, बादल की मौजूदगी से भरा, खुदा ने किया भवन तैयार। सात दशकों के बाद खुदा ने किया भवन तैयार। सात दशकों के बाद भवन हुआ बन के तैयार, मोहर के खुलने के बाद।
पवन हुआ बन के तैयार, मोहरों के खुलने के बाद।